फाइनली हम उतर चुके हैं ट्रेन से और निकल रहे हैं बाहर गुरु की नगरी अमृतसर में, और फटाफट से बाहर चलते हैं। अब दिखा देते हैं मैं आपको कैसे कैसे हम ऑटो से गए थे अपना बैटरी रिक्शे से। हम फटाफट से बाहर निकलते हैं और यहाँ से ना देख लो अभी हम अमृतसर स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं, तो फटाफट से अपना ओवर लेते हैं, थ्री व्हीलर ले लेते हैं। हमारे को बैटरी वाली रिक्शा मिली थी, इसने लगभग 40 रुपीज़ लिए थे, 20 रुपीज़ पर पर्सन ना गोल्डन टेम्पल तक के लिए जो बाहर चौक पड़ता है ना, और चौक में पहुँच के आपको दिखाता हूँ। बहुत सुंदर की ना बहुत बढ़िया सजा रखा था चौक, जैसे अपना बहुत ना जैसे दिवाली का सीज़न था या दिवाली का टाइम था, दिवाली को कुछ ही दिन हुए थे, जो अपना म्यूजियम था ना क्या कहते हैं मैं अपना वॉर मेमोरियल म्यूजियम या फिर पार्टीशन म्यूजियम भी कह सकते हैं उसको, उसको बहुत अच्छी तरह सजा रखा था। तो अभी अभी तो थोड़ा सा जाम है, तो वहाँ पर चलते हैं। वैसे मैं आपको शॉर्ट्स दिखा दूँगा उसके, वो तो उसके मैंने शॉर्ट्स रिकॉर्ड करके आगे डाले हुए हैं। ये देखो फाइनली हम पहुंच गए हैं पार्टीशन म्यूजियम के बाहर ना, भैया ने उतारते थे। और देखो यार फाउंटेन कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो पार्टीशन म्यूजियम था, वीडियो में इतना अच्छा नहीं कवर हो रहा होगा, वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो यार वहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि ये बढ़िया शादी शुदी में आ गए, जैसे अपना बहुत बढ़िया शादी वगैरह होती है देख लो, ऐसे कुछ ना झूले वगैरह भी लगे हुए थे और काफ़ी कार्ट वगैरह भी लगी हुई थी यहाँ पर बाहर खाने पीने के लिए। अगर आप कुछ खाना पीना तो खा भी सकते हो। और चलो यार इधर अंदर चलते हैं और पल्ली साइड से निकलेंगे। वह तो इस टाइम में म्यूजियम बंद होते हैं, फिर ये लाइटिंग वगैरह की वजह से और ऊपर एक दो रेस्टोरेंट खुल गए अभी, तो ये बाहर वाली साइड है वैसे म्यूजियम की, ऊपर एक दो रेस्टोरेंट खुल गए इस वजह से ओपन होता है। देख लो यार कितना प्यारा लग रहा है। और उसके यार दूसरी साइड पर ना ये अपना गोल्ड वाली वो भी थी अंदर, मतलब कि एक ग्लास का केस बना रखा था अंदर, एक गोल्ड की वो रखी हुई थी प्लेट थी, तो उसको बाहर निकालेगा तो उसको कुछ गिफ्ट वगैरह देते होंगे, पर निकल दे रही थी। वैसे काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, मैंने ट्राई नहीं किया, भीड़ इतनी थी आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता था, वैसे ट्राई भी करता तो ट्राई कर लेता, तो हो सकता है निकल भी जाती, पर देखो वैसे मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो देख लो ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये नीचे भी उसमें थी और ऊपर भी थी। और फाइनली अगले दिन हमने दर्शन किए दरबार साहब में, ये देख लो बाहर अभी खड़े हैं, अभी चलेंगे अंदर चलेंगे। और वैसे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, बस जितना बना सकता था वीडियो उतनी मैंने बना ली, बाकी वैसे पूरा अंदर पूरा अलाउड नहीं था। और नेक्स्ट डे हमने दर्शन किए थे क्योंकि उस दिन रात को इतना काफ़ी थक गए थे और लेट भी काफ़ी हो गए थे, लगभग 11:30-12 बज गए थे हमारे को पहुँचने में। उसके बाद रूम लिया और देखो यार कितने प्यारे दर्शन हो गए। उस दिन यार भीड़ बहुत थी, हमने क्या गलती कर दी थी, हम संडे को चले गए थे, मतलब कि सैटरडे नाइट में चले गए थे, सैटरडे इवनिंग यहाँ से निकले थे और सैटरडे नाइट में पहुँचे थे। देख लो यार इतना बढ़िया लग रहा है हमारा दरबार साहब। और यहाँ पे दर्शन किए, मथा टेका और उसके बाद लंगर छका, और लंगर छकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। Thank you.
दर्शन करने के बाद अपना प्रसाद देखने के बाद इधर अपना मछलियाँ देखी थोड़ी सी, मछलियों का दर्शन किए और उसके बाद थोड़ी देर अपना अकाल तख्त साहब के सामने बैठ के अपना बैठे थे उधर और थोड़ा अपना वहाँ का फील लिया मेरी भक्ति वाला। और उसके बाद हम चल पड़े और इसके बाद वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने क्या किया, चैनल को सब्सक्राइब करके देखा।